कॉर्पोरेशन की कमिश्नर और बाकी अधिकारी, मैं जवाब चाहने का प्रयास करना चाहता हूं। जब नियम बनाई नहीं, जब उसने पास कराई नहीं, तो पीली लाइन किसने लगाई? जब हाउस चलाई नहीं, पीली लाइन चलाने का अधिकार किसने किसको दिया? ये हमको बताने का प्रयास करना होगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि जब हाउस नहीं चला, नियम नहीं बना, तो फिर क्यों ये सारी बातें करने का अधिकार दिया गया? इसका मतलब उन लोगों ने कानून को तोड़ा। कानून को तोड़ने वाले कौन है? कानून को तोड़ने वाले म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी, कॉरपोरेशन के अधिकारी। अगर कॉरपोरेशन के अधिकारी कानून को तोड़ेंगे, रातों रात गुंडों की तरह यहाँ आए और पीली लाइनें डाल करके चले गए, जब कॉरपोरेशन ने पास नहीं करा, मेयर क्या कर रहा था? बाकी कॉर्पोरेटरों से कह रहा हूँ, जब तुम्हारे बाढ़ के अंदर पीली लाइनें डले, तुम खड़े होकर के उसका विरोध नहीं करा। तुमने पास करना चाहिए था, तुमने विरोध क्यों नहीं करा? आज विरोध का समय है। इसलिए दुकानदार भाई और कॉर्पोरेशन के लोग मिलकर के इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ इस समय बाजार एसोसिएशन के प्रधान भी आए हुए हैं, सब मिलकर के इस बात का विरोध कर रहे हैं। दुकान तुमने तोड़नी थी गोदाम को नानक नगर के अंदर, तुमने उसकी दुकान तोड़ दी। अब कहते हैं समझौता कर लो, अब कहते हैं। मैं चैम्बर वालों से भी कहना चाहता हूँ, चैम्बर वाले बताएं क्या समझौता हुआ है? अब कोई अंदर समझौता नहीं होगा, जो समझौता होगा इन राइटिंग के अंदर होगा और लोगों के बीच के अंदर होगा। चैम्बर के प्रधान से भी कहना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे कोई बदबू फैलने का प्रयास हो। जब तक आपने उसमें कोई दुकान तोड़ने के लिए, कोई बिल्डिंग तोड़ने के लिए, आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा और उसके अंदर लिस्ट बनाने पड़ेगी, फिर जाकर के आपको दुकानें तोड़नी पड़ेगी। अगर हाउस पास नहीं दे करता, हाउस आपको अनुमति नहीं देता, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव एमएलए नहीं है, कॉर्पोरेशन के लोग हैं, वो चुने हुए हैं, उनको अगर कोई मानना ही नहीं चाहता। माननीय उपराज्यपाल जी कहते हैं 11,721 करोड़ रूपया खर्चेंगे, तो यहाँ 6 नेशनल हाईवे बनेंगे, लेकिन चुने हुए लोगों को कोई मानने को अगर कॉर्पोरेशन तैयार नहीं होगी। श्रीमान धीरज जी, आपसे कहना चाहता हूँ, कमिश्नर महोदय, कार्रवाई करो उन ऐसे अधिकारियों पर जिन्होंने अपनी मनमानी करी है। ऐसे अधिकारियों को निरस्त करो नौकरी से जिन्होंने पीली लाइन डाली है, जिन्होंने किसी की दुकान को निरस्त कर दिया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ वो भी अधिकारी और चैम्बर के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जम्मू बंद की कॉल ले रहा हूँ, जम्मू बंद सब लोगों से तय करके, लगता है मुझे शुक्रिया शनिवार बंद की कॉल होगी। अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई, कोई नहीं आएगा बीच में, सिर्फ एक दस्तावेज आएगा लिख करके कि जब तक हाउस पास नहीं करेगा, कॉर्पोरेटर वहां पास नहीं करेंगे, नियम नहीं बनेगा, कोई मेयर, कोई तुम्हारा कमिश्नर, कोई जॉइंट कमिश्नर, कोई अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। अगर कोई मनमानी करेगा, अगर कोई कानून को तोड़ेगा, उसका जवाब दिया जाएगा।